मैं मेगा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की सुर्खियां खबर, जादवपुर छात्र की मौत का मामला लिंक आसनसोल, घर वालों ने बताया निर्दोष। निमचा फाड़ी पुलिस ने तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया आयोजन। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अल हिदाया इंटरनेशनल स्कूल ने ड्रीम कॉन्वेंट हॉल के परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। वार्ड नंबर 83 में सड़क की हालत बेहद खराब है। श्री हसरतुल्ला, जिन्हें आमतौर पर बापीदा कहा जाता है, कथित तौर पर लोगों की मांगे की अनदेखी कर रहे हैं। आखिरकार 22 घंटे के बाद मोहम्मद आकिब की मिली बॉडी। आसनसोल रेल पर मुर्शिदी मल्ला इलाके के गरुई नदी में नहाने के दौरान लापता के तकरीबन 22 घंटे बाद लाश को उद्धार किया गया गरुई नदी में। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार मंगलवार के दिन उसके शव को उद्धार कर लिया गया। सबको आसनसोल के जिला अस्पताल में भेजा गया है। आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक ने कहा कि नदी में नहाने के दौरान MD आकिब की मौत हुई थी। आपकी बॉडी मिली है और उसे आसनसोल जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल गरुई नदी का साफ सफाई का काम वहां चल रहा है। आइए सुनते हैं आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर श्री वसीमुल हक क्या कहते हैं। कल के छेलेटा डूबे छिलो, से छेलेटा आज के सकाले रेस्क्यू हयेछे, पेये गेछे, पोस्टमार्टम जन्य हॉस्पिटल जाच्छे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, all varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341-222-1590. Rainbow Big Shop. निमचा फाड़ी पुलिस ने तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया आयोजन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVSPSJ द्वारा। रानीगंज से संजीवन गोप के अनुसार 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ही हमारा सबसे पुराना हथियार और सदियों से विभिन्न स्तरों पर देखी जाने वाली हथियारों की होड़ युद्ध के उन उपकरणों में से एक है, जिसके माध्यम से लक्ष्य पर निशाना साधने की तकनीकी एक दूरी पर कब्जा कर लिया गया है। लोगों ने कहा हाँ, वह तीरंदाजी प्रतियोगिता है। तीरंदाजी का इतिहास पाषाण युग काल से माना जा सकता है। इस बार परंपरागत प्रतियोगिता को जारी रखते हुए आज़ादी के दिन आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ पराधीन भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कानून की याद में बने बेलिया बाथान फुटबॉल मैदान में यह तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ASP सेंट्रल श्रीमंत बनर्जी, रानीगंज थाने के इंस्पेक्टर सुदीप दास गुप्ता, पश्चिम बर्धमान जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष विश्वनाथ बावड़ी, वर्तमान जिला अध्यक्ष सुभद्रा बावड़ी, नव नियुक्त पंचायत प्रधान रमा मुखर्जी, उप प्रमुख ममता बावड़ी, रानीगंज रेफरी थे। खेल के शुरुआती चरण। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल, 713301। प्रोडक्ट्स आर बायोटिक, गार्नियर, एवर यूथ, निविया, सहनाज, मैमथ, O3 प्रोफेशनल, लोटस प्रोफेशनल, पतंजलि, जॉबिस, नेचर्स, मेंस ग्लो, प्लम, एम कैफिन, VLCC, गुड वाइब्स, ओला, फेम, ऑर्गेनिक, राजा,
सुगर, लैक्मे, वेवलिन, लोटस कलर, पॉन्ड्स, सिल्क, मैट्रिक्स, लोरियल, बेला एटसेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9126767709। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अल हिदाया इंटरनेशनल स्कूल ने ड्रीम बैकवेंट हॉल के परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल द्वारा। रहमत नगर साइन एकेडमी के निदेशक मिस इशिता भट्टाचार्य और न्यूज मूवमेंट के संस्थापक श्री मेघदूत प्रसाद जैसे अतिथियों को सम्मानित किया गया। स्कूल के निदेशक खालिद उमर ने भी छात्रों को संबोधित किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम का कुछ अंश। Dear parents, guests, and my dear children, we are here proving ourselves by walking alone. Dear all, Independence Day is also a time to reflect on our responsibility as citizens. Let us remember that the freedom we enjoy today came at a great price, and it is our duty to preserve and enhance it for the generation to come. As we wrap up, we must embrace the values of unity, tolerance, and inclusivity, and work towards building a nation that stands as a shining example to the world. Before we conclude, I would like gratitude to all the participants and the volunteers who have worked tirelessly to make this event a grand success. Your efforts are truly commendable, and we thank you for your dedication. As we wrap up our celebration, let us standardize the spirit of Independence Day in our house. Throughout the year, let us strive to be better citizens, cherish our diversity, and work towards a prosperous and harmonious nation. Once again, I extend my warm wishes to each one of you on this momentous occasion. Happy Independence Day. Jai. Thank you. ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक, नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, असनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8 9 1 8 9 4 0 8 6 8। वार्ड नंबर 83 में सड़क की हालत बेहद खराब है। श्री हसरतुल्ला, जिन्हें आमतौर पर बापी दा कहा जाता है, कथित तौर पर लोगों की मांगों की अनदेखी कर रही है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है मोशन द्वारा। सड़क की
खराब हालत से लोगों को परेशानी हो रही है। पता चला है कि इस सड़क का निर्माण 10 साल पहले हुआ था। स्थानीय पार्षद से संपर्क नहीं हो सका। आइए सुनते हैं आम लोग क्या कहते हैं। ये रोड आप लोग खुद से बना रहे हैं, ये आप लोग अपने पैसा से बनवा रहे हैं? हम सेलर को बोल रहे हैं जा करके, तो नहीं सुनते, बोलते हम लोग अभी टाइम लगेगा, सब पास हो गया है रोड। वार्ड नंबर कितना आप लोग? राशि काउंसिलर लापीदा। आप लोग गए थे सब मिल करके? हाँ। क्या बोला था? वो बोले कि अभी तो इधर का पास हो चुका है, इधर का तो अभी बनेगा नहीं, टाइम लगेगा। तो हम लोग बोले इतना ना पानी जमा हुआ था, ऐसे हम लोग कब तक रहे, कब तक हम लोग रहे, 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 पास हो चुका है नहीं बनेगा, मतलब पास होने के बाद तो रोड बन देर लगेगा, बनने में भी टाइम लगेगा। कितना अभी कम से कम नहीं तो अभी इस साल तो कुछ नहीं होगा, 2-3 साल लगेगा आप लोग का बनाने में इधर का रोड। 2-3 साल लगेगा ऐसा उन लोगों ने बोला? हाँ बोला इधर का सब, हम लोग सब गए भी थे, बोले ठीक है बन जाएगा, आप लोग घबरा रहेगा, अभी तो हम लोग नए नए बैठे हैं, अभी हम लोग तुरंत कैसे कर देंगे, इतना दिन से तो उधर का सुरावली का तरफ का कोई नहीं किया, इधर का हम लोग कैसे अभी तुरंत कर देंगे, हम लोग का जिधर का पास हो गया उधर का न करेंगे। तो ये रोड जब सोरावली जब काउंसलर थे तब से ये रोड कभी बना ही नहीं है? नहीं बना था, सोरावली बनाए थे, का बना है, पास हो गया, इधर का बना भी है, थोड़ा सही बना नहीं है, इसलिए पानी उनी जम जाता है, और न कूड़ा फेंकने की जगह है, न बत्ती है रोड में, समझ लीजिए नाली में भी, नाली भी साफ नहीं है, नाली में कीड़ा चलता है, 3 महीना हो जाता नाली साफ, कीड़ा चलता है नाली में, ये रोड सब टूट गया, डैमेज हो गया, एकदम डैमेज हो गया सब, बोलते हैं तो कुछ नहीं सुनता है, बन जाएगा बन जाएगा, इन्हें बोलते नहीं बनाएंगे। अच्छा ये आपके ऊपर में ये खंभा है, इसमें लाइट कभी नहीं दिया गया? नहीं नहीं, इसके लिए कभी आप लोग हैं लाइट के लिए भी बोले आप लोग? लाइट के लिए तो यहाँ आए थे, तो हम लोग बोले यहाँ आए थे, बापी दा लाइट के लिए भी कोई सुनाई नहीं, कुछ सुनाई नहीं दिया, या तो दो बार आए हम लोग बोले ये बत्ती नहीं है, पूरा एकदम लाइट जल रहा है, अंधेरा लगता है, अपना अपना सब उतार देगा तो कहाँ से जलेगा, अंधेरा लगता है। नाली जो पीछे आप लोग दिखाए टूटा हुआ है वो बना ही नहीं है, नाली पीछे के तो उस नाली के लिए क्या बोला जी? नाली के लिए क्या बोले? हम लोग से नाली नहीं बने, 40,000 रुपया लगे, 4-5 आदमी मिलाइए, मिला के बने तो कोई 5-6 हजार रुपया दिए पैसा। वो नाली बाहर का कॉरपोरेशन आप लोगों का मदद नहीं करेगा, मतलब वो अपना पैसा से बनाना पड़ेगा, अपना पैसा से बनाना। अच्छा तो आप लोग मिस्त्री से पूछे तो कितना बोला? 20,000 रुपया बताओ। 40,000 बताया, कितना? 40,000। अच्छा वो थोड़ा सा एरिया का बनाने का 40,000 रुपया। और आप लोगों को क्या दुश्वारी हो रहा है? बस यही लाइट नहीं है, पानी का मतलब ये जम जा रहा, रोड सही नहीं है, शुरू से तो नल नहीं, पानी की तकलीफ हुआ, बॉल बत्ती लाइट नहीं जल रहा, नाली साफ करने नहीं आता है, नाली साफ होता नहीं है, नहीं आता नाली साफ करने वाला, बिल्कुल नहीं आता, कीड़ा चलता है नाली में, बोलते हैं एक बार बोलेंगे तो 1-2 महीना पर आते हैं साफ करने के लिए। इस एरिया में हम लोग बिल्कुल परेशान है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। आसनसोल टीएमसी पार्षद के निधन से शोक की लहर। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एजुकेशनल हब द्वारा। आसनसोल नगर निगम के तृणमूल कांग्रेस के पार्षद तपन बनर्जी के निधन की शोक की लहर है। दुर्गापुर के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह टीएमसी पार्षद के साथ ही एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता भी थे। उनके आकस्मिक निधन के कारण आसनसोल नगर निगम के शोक स्वरूप छुट्टी दे दी गई है। गौरतलब है कि तपन बनर्जी पहली बार सक्रिय राजनीति में आए और 2022 के नगर निगम चुनाव में वार्ड 53 से पार्षद निर्वाचित हुए थे। वहीं कुछ माह पहले ही उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। तपन बनर्जी को पिछले सप्ताह हार्ट अटैक होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। एडमिशन्स ओपन नाउ एट सेंट क्रिस्टोफर मिशन स्कूल रन बाय अनलिमिटेड सोसाइटी अफिलिएटेड टू सीबीएसई दिल्ली।
Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. अधेड़ महिला की गला रेत कर हत्या, बच्ची लापता। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल, बताया जाता है कि आसनसोल अंतर थाना अंतर्गत कन्यापुर फाड़ी अंतर्गत लालगंज गांव के श्रीरामपुर मोहल्ले में धान तोड़ने के बाद श्याम मौली कर्मकार नामक 50 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिवार का दावा है कि उनकी बेटी वैशाखी कर्मकार लापता है। घटना सोमवार रात की है। मंगलवार की सुबह उत्तर थाना की पुलिस आई और शव बरामद किया। हालांकि परिवार वालों का दावा है कि उनकी छोटी बेटी के पति ने ही उसकी सास की हत्या की है। इससे पहले भी मृतक के छोटे दामाद श्याम मौली कर्मकार ने धारदार हथियार से हमला किया था। गंभीर चोटों के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के कुछ ही वर्षों के भीतर श्याम मौली देवी की जान चली गई, हालांकि वह बच गई। उस दिन घटना स्थल से 500 मीटर दूर रहस्यमय तरीके से एक बैग बरामद हुआ था। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि बैग के अंदर मोबाइल फ़ोन और रेनकोट समेत कई सामान है। हालांकि पुलिस ने घर को सील कर दिया है। पुलिस के विशेष जांच टीम आज दूसरी बार घटना स्थल पर आई। घटना के बारे में परिजनों और स्थानीय लोगों से बात की, घटना स्थल की तस्वीरें ली गई, पूरी स्थिति की जांच की गई। हालांकि ताज़ा खबर यह है कि पुलिस ने इस घटना में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। आसनसोल उत्तर थाना की पुलिस घटना की जांच कर रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल टीएमसी पार्षद के निधन से शोक की लहर। समाचार का यह भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पीड़ितों और लोगों की पीड़ाओं को याद करने के लिए 14 अगस्त 2023 को पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हृदय कृष्ण चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती सती रानी चक्रवर्ती द्वारा मंडल के अधिकारियों की उपस्थिति में फोटो आर्ट गैलरी की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और श्रीमती सती रानी चक्रवर्ती को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक स्मारक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके बाद मंडल सांस्कृतिक संगठन डिविजनल कल्चरल एसोसिएशन द्वारा देशभक्ति गीत और रेलवे स्कूलों के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत समूचे आसनसोल मंडल में आर्ट गैलरी को डिजिटली रूप से प्रदर्शित किया गया। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस दुर्गापुर स्टेशन पर ही मनाया गया और इस अवसर पर एक फोटो प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की गई जिसका उद्घाटन स्थानीय वरिष्ठ नागरिक द्वारा किया गया। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाए जाने वाला एक वर्षीय राष्ट्रीय स्मृति दिवस है। यह पहली बार 2021 में मनाया गया था। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस का उद्देश्य विभाजन के दौरान प्रताड़ित लाखों लोगों की पीड़ा वेदना और कष्ट को याद करना और उसे ध्यान में लाना था। इसका उद्देश्य लोगों के समक्ष यह प्रदर्शित करना था कि लाखों लोगों की ऐसी पीड़ा पुनर्निवारित न हो। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। BNM कोचिंग सेंटर कैंटिंगपारा श्यामबान बनपुर अपीयर फ्रॉम बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना स्वामी विवेकानंद सुप्रभाती यूनिवर्सिटी मेरुट यूपी मैट्रिक एंड HS 9732022768 एंड 9732024247। जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र की मौत पर राजनीतिक गर्मी के बीच 6 और गिरफ्तार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में कथित रैगिंग के कारण एक नए छात्र की मौत के मामले में 6 और वर्तमान और पूर्व छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। इससे इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 9 हो गई है जिससे राज्य पूरी जनता का गुस्सा फूट पड़ा है।
कल गिरफ्तार किए गए 6 छात्रों में से 3 पूर्व छात्र हैं, जबकि शेष 3 वर्तमान में वहां पढ़ते हैं। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर अन्य छात्रों को निर्देश दिया था कि उन्होंने पुलिस को क्या बयान देना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद वे परिसर से चले गए थे, लेकिन घटना के समय वे परिसर में मौजूद थे। प्रीत बंगाली ऑनर्स के प्रथम वर्ष का छात्र पिछले सप्ताह अपने छात्रावास की बालकनी से गिर गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। रैगिंग के कई आरोप सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या और साजिश का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि यौन उत्पीड़न के पहलू की भी जाँच चल रही है। पूर्व छात्र सौरभ चौधरी, अर्थ शास्त्र के दूसरे वर्ष के छात्र दीप शेखर दत्ता और समाज शास्त्र के दूसरे वर्ष के छात्र मनोतोष घोष के छात्र को छात्र की मौत में उनकी कथित भूमिका के लिए पहले गिरफ्तार किया गया था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मूवमेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बूदा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। ईश्वर कर्मी ने फांसी लगा कर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। जामुरिया शशुभल सिंह के अनुसार जामुरिया थाना क्षेत्र के केंदा फाड़ी अंतर्गत कुनुस तोड़िया कोलियरी 2 नंबर अचानक इलाके स्थिति एक ईश्वर कर्मी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान तीना बीन के रूप में हुई है। वह घर पर अकेला था। घटना की जानकारी तब हुई जब बगल के ही रहने वाला एक युवक ने दीना बीन के घर का दरवाजा खोलने के लिए खटखटाया। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद उस युवक ने घर के दीवार फान कर देखा कि उसका शव फंदा से लटका रहा है। उसके बाद उस युवक ने आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाज़ा तोड़कर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि अब तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एम्स एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। व्हाट टू बी अ होल डॉक्टर होल्ड द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट रेगुलर क्लासेस 11 and 12। DC अरविंद नगर बिरला रोड कुल्टी पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल। जादवपुर छात्र की मौत का मामला लिंक आसनसोल, घर वालों ने बताया निर्दोष। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले छात्र ने छत से कूद कर आत्महत्या कर ली थी, ऐसा ही खबर आई थी। इसके बाद प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल की गई और कईयों ने आरोप लगाया कि यह आत्महत्या नहीं हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करते करते पुलिस ने कईयों को गिरफ्तार भी किया। इस बीच में आसनसोल रेल पार्क के बाशिंदा मोहम्मद आशिफ नाम के युवक को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मोहम्मद आशिफ अत्यंत गरीब तबके से आता है। वह इसी तरह उनका गुजारा होता है। उनके पिता फेरी करके अपना घर परिवार चलाते और किसी तरह से जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षा संस्थान में अपने बेटे को भर्ती करा पाए। इस विषय में आशिफ की चाची शहाना खातून ने कहा कि लगातार कड़ी मेहनत कर इसी तरह आशिफ के पिता ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा है और आशिफ बहुत ही नेक दिल इंसान है। इस घटना में शामिल नहीं हो सकता, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन न्याय पर हमें भरोसा है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। अब अंत में समय है मोमेंट के SMS का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इफ इंडिया इज नॉट सेक्युलर देन इंडिया इज नॉट इंडिया एट ऑल। यदि भारत धर्मनिरपेक्षक नहीं है तो भारत बिल्कुल भी भारत नहीं है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।